डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोप्रोफेन। जी हाँ, ये एनएसआईड क्लास की ड्रग है और एक प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। मींस ये क्या, आइब्रूफेन वाले क्लास की ये भी एक ड्रग है। आइब्रूफेन जहाँ पे थी वो भी क्या थी, एक प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव थी, तो ये भी क्या है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है और क्या ये एक एनएसआईड क्लास की ड्रग है। तो जो भी एनएसआईड ड्रग्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक, वो इसमें क्या होगी, इसमें भी शो होंगी। ये भी क्या करेंगी, वही जो एनएसआईड फॉलो करती है ड्रग्स, क्या कॉक्स का इनहिबिशन, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम का जो इनहिबिशन फॉलो करती है, वो ये भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कीटोप्रोफेन के बारे में। ये क्या है, इट इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग। ये एक एनएसआईड क्लास की ड्रग है। फर्दर इसका ब्रांड नेम, ये किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है उनकी बात करें तो फास्ट्रम जेल, कीटोफेन, लुपीफ्लेक्स, रिलाइनॉल कीटो और क्या रोफेनिड, ये इंपॉर्टेंट क्या इसके ब्रांड नेम्स है जिससे क्या ये मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ क्या, इट इज अ प्रोपियोनिक एसिड डेराइवेटिव। ये क्या है, एक प्रोपियोनिक एसिड डेराइवेटिव है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था क्या, आइबुप्रोफेन के भी बारे में, क्या पढ़ा था हमने, आइबुप्रोफेन और साथ ही साथ क्या कीटोप्रोफेन। तो इससे हमको ये भी पता चला क्या एनएसआईड क्लास की क्लासिफिकेशन में क्या प्रोपियोनिक एसिड डेराइवेटिव जो है उसमें क्या आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन ये दो ड्रग्स आती है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बारे में आगे बात करें, अगर आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो स्ट्रक्चर से अगर आप देखें तो क्या इसका आईयूपीएसी नेम है 2-3-बेंजीलफेनाइलप्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका क्या है, प्रोपेनोइक एसिड इसका क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर इसका देखिए, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है और ये क्या है, ये एक क्या है, ये आपका बेंजोइल है, ये क्या है, बेंजोइल ग्रुप है और साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, ये इतना आपका एक फेनाइल ग्रुप है, ये क्या है, फेनाइल ग्रुप है, ये बेंजोइल ग्रुप है और ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये क्या, इससे बना आपका 2-3-बेंजोफेन, क्या बेंजोफेनाइल, बेंजोइल फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हुआ इसका आईयूपीएसी नेमिंग हुआ। केमिकल फॉर्मूला अगर आप बात करें, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, C16H14O3 इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C16H14O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये जो ड्रग है ये आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो कैसे अंदर क्या क्या ये अफेक्ट लाएगी, क्या क्या ये एक्शन प्रोड्यूस करेगी, कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को तो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, हमने देखा ही था, ये क्या होगी, साइक्लोऑक्सीजिनेज को इररिवर्सिबली और ये क्या नॉन सेलेक्टिव कॉक्स को इनहिबिट करेगी। नॉन सेलेक्टिव मींस ये कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करेगी, कोई एक पर्टिकुलर को इनहिबिट नहीं करेगी, सेलेक्टिवली नहीं इनहिबिट करेगी। तो क्या ये कॉक्स वन और कॉक्स टू को इनहिबिट करेगी। साथ ही साथ ये देखा गया है कि ये क्या होती है, ये ल्यूकोट्राइन्स में जो होता है आपका जो लाइपोक्सीजिनेज होता है वर्क कर रहा होता है, ल्यूकोट्राइन्स के फॉर्मेशन में जो होता है क्या 5-लाइपोक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी को भी क्या करती है, ये सप्रेस करती है। और ये क्या ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस क्या करते हैं, ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो कैसे हुआ इसके बारे में बहुत बार कई सारी वीडियोस जो भी एनएसएड्स की हमने सब में देखा है। ये एराकिडोनिक एसिड कहां से आता है, ये आपकी जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ये क्या होती हैं, जो आपकी फॉस्फोलिपिड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स कहां है, आपके सेल मेम्ब्रेन में है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, वहां से क्या जो लिपिड्स हैं ये अंदर आई किसके थ्रू, लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क किया और क्या ये आए एराकिडोनिक एसिड यहाँ पे आपका क्या होता है फॉर्म होता है। और ये क्या होता है एराकिडोनिक एसिड से ही फर्दर क्या कॉक्स की जो होती है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, ये होते हैं आपको प्रोस्टाग्लैंडिंस का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिंस फर्दर रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके किसके लिए, इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए, पेन क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी में और साथ ही साथ क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर इलिवेट करने के लिए। और ये जो नेक्स्ट आपका एराकिडोनिक एसिड सही आपका क्या बनता है ल्यूकोट्राइन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो जो कीटोप्रोफेन होता है ये एक अलग ही तरह से वर्क करता है, एनएसएड क्लास की ड्रग हमने सब में देखा, वो कॉक्स को सेलेक्टिवली या फिर नॉन सेलेक्टिवली, रिवर्सिबली या फिर इरिवर्सिबली
कॉक्स को इनहिबिट करती थी, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करती थी, इनहिबिट करती थी, और क्या होता था वहां पे, और फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिंस का फॉर्मेशन नहीं होता था, तो फर्दर क्या जो उससे प्रोस्टाग्लैंडिंस होने वाले जो चेंजेस थे लाइक इन्फ्लेमेशन होता था, जो फीवर आता था, टेम्परेचर जो इलिवेट होता था, या फिर पेन जो होता था एनाल्जेसिक, वो सारे नहीं होते थे। लेकिन कीटोप्रोफेनिकलोपी ऐसी है जो कि क्या कॉक्स को तो इनहिबिट कर ही रही है, साथ साथ में लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम को भी क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। नेक्स्ट क्या है, कीटोप्रोफेन इज यूज फॉर इट्स एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसके लिए तो यूज होती है, बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 and 2, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को भी क्या करेगी, एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट करेगी नॉन सेलेक्टिवली, विच डिक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिकर्सर्स। प्रो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रिकर्सर है उनको क्या करती है, ये ऐसे इनहिबिट करती है। तो ये क्या, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कीटोप्रोफेन कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स, कीटोप्रोफेन से रिलेटेड जो उसके फार्माकोकाइनेटिक्स हैं उसके बारे में बात करिए अगर, तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ये कितना प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंडिंग करेगी, क्या 99%, जो कि एक काफी अच्छी वैल्यू है, मींस इसका क्या इफेक्ट जो होगा काफी अच्छा होता है, एफिकेसी अच्छी है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ग्लूकोरोनिडेशन कैसे होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड जो आपके कहां लीवर में प्रेजेंट है, ग्लूकोरोनिक एसिड ये आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फॉर्म करते हैं आपके कीटोप्रोफेन के साथ, और फर्दर क्या बनाते हैं, ये आकर के क्या कीटोप्रोफेन ग्लूकोरोनाइड बना लेते हैं, क्या बना देते हैं, कीटोप्रोफेन ग्लूकोरोनाइड बना देते हैं आपके कीटोप्रोफेन को, जो कीटोप्रोफेन है ग्लूकोरोनिक एसिड आपके लीवर में प्रेजेंट है वो इनको क्या कॉन्जुगेट फॉर्म करते हैं और क्या कीटोप्रोफेन ग्लूकोरोनाइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ बेंजिल रिंग, जो बेंजोइल रिंग प्रेजेंट होती है उसमें, जो बेंजोइल रिंग है उसका क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेशन होता है जो एक एंजाइम से, ये एंजाइम कौन सा है, CYP34A, कौन सा, CYP3A4 जो कि प्रेजेंट होता है आपके लीवर में, ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोक्सीलेशन करा देता है बेंजोइल रिंग का, और एक और एंजाइम कौन सा, CYP2C9, ये भी क्या एंजाइम, ये भी लीवर, ये दोनों एंजाइम कहां प्रेजेंट है, ये भी आपके लीवर में ही प्रेजेंट होते हैं और ये क्या हाइड्रोक्सीलेशन कराते हैं बेंजोइल रिंग का। नेक्स्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 2 to 2.5 hours, मींस 2 to 2.5 घंटे इसकी क्या है, टी हाफ हाफ लाइफ है इसकी, एलिमिनेशन हाफ लाइफ है। अब डोज, किस किस डोज में ये क्या यूज किए जाते हैं, जैसे 50 mg ओरली यूज किया जाता है 4 times a day, 50 mg ओरली यूज किया जा रहा है 4 times a day, दिन में 4 बार, और 75 mg ओरली 3 times a day, 75 mg अगर आप ले रहे हैं तो कितना ओरली 3 times आप लेंगे एक दिन में। नेक्स्ट क्या है, 25 mg to 50 mg ओरली एवरी 6 to 8 hours एज नीडेड, या फिर जैसे जरूरत है, तो क्या 25 to 50 mg कितना ओरली एवरी 6 to 8 hours और एज नीडेड इसका क्या डोज है। नेक्स्ट क्या है, कीटोप्रोफेन जो है ये ऑल्सो अवेलेबल होती है एज अ 2.5% जेल या फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, ये क्या जेल के फॉर्म में भी होती है, टॉपिकल एप्लीकेशन में एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है टॉप में आपके स्किन में, वहां पे क्या जैसे कोई पेन इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी क्या एज अ जेल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ऑल्सो अवेलेबल एज पैच फॉर टॉपिकल एनाल्जेसी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट में इसके क्या चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, डिक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन डिक्रीज हो सकता है, वेट गेन और येलोइंग ऑफ योर स्किन और व्हाइट्स ऑफ योर आईज, ये भी इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट सो हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ योर फेस, फेस में आपके स्वेलिंग आना, लिप्स में स्वेलिंग या फिर थ्रोट में स्वेलिंग, ये क्या हो सकते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट सो हो सकते हैं अगर आप कीटोप्रोफेन का यूज कर रहे हैं। कीटोप्रोफेन के जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो ये है। नेक्स्ट अब कीटोप्रोफेन के यूजेस, कीटोप्रोफेन यूज कहां कहां किया जाता है, तो कीटोप्रोफेन क्या है जनरली प्रिस्क्राइब फॉर अर्थराइटिस रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, जो अर्थराइटिस वाले इन्फ्लेमेटरी पेन्स होते हैं, और सीवियर टूथेक्स, जो आपके सीवियर टूथेक होते हैं कैसे, जो कि किस लिए हुए हैं, गम्स में इन्फ्लेमेशन के कारण जो हुए हैं, आपका जो गम्स होते हैं मसूड़े होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण जो पेन होता है वहां पे क्या कीटोप्रोफेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कीटोप्रोफेन जो होती है ये आपका वेटनरी यूज में भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है,
कीटोप्रोफेन इज अ मोस्ट कॉमनली बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली है एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक किन में हॉर्सेस और इक्वींस में। ये क्या हॉर्सेस और इक्वींस में क्या होती है बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है फॉर एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एक्शन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्या है इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल फीवर। ये क्या फीवर कंट्रोल करने के लिए और एंडोटॉक्सीमिया। ये एंडोटॉक्सीमिया क्या होती है जब ब्लड में आपके एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये भी कहां पे ये भी वेटनरी में ये क्या यूज किया जाता है एंडोटॉक्सीमिया और क्या फीवर्स में या फिर उसमें यूज किया जाता है वेटनरी यूज में। नेक्स्ट क्या है एंडोटॉक्सीमिया में बताया जो कि क्या ब्लड में आपको एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं और उनसे रिलेटेड अगर पेन या फिर इन्फ्लेमेशन शो होती है बॉडी में तो उनको ट्रीट करने के लिए भी कीटोप्रोफेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है इट इज ऑल्सो यूज एज अ माइल्ड पेन किलर। ये माइल्ड पेन किलर के जैसे यूज किए जाते हैं इन स्मॉलर एनिमल्स। स्मॉलर एनिमल्स में जनरली फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनमें क्या अभी सर्जरी हुई है और उनमें माइल्ड पेन किलर्स के जैसे भी क्या हम कीटोप्रोफेन का यूज करते हैं। तो ये था क्या कीटोप्रोफेन का यूजेस और कीटोप्रोफेन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह जा रहा है या फिर कहीं कोई मिसिंग पॉइंट लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए उसके बारे में। आई होप कि वो आपका क्या डाउट क्लियर किया जाएगा और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।